एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस। दोस्तों मैथ में हर क्यों का जवाब है। क्यों प्राकृतिक संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है, प्रकृति से यानी नेचर से संख्याओं का नंबर्स का क्या रिलेशन है, और क्यों होल नंबर्स को होल नंबर्स कहते हैं, या सारे ही रेशनल और इरेशनल नंबर मिलकर रियल नंबर बनाते हैं लेकिन सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं है, ऐसा क्यों है। सारे क्यों का जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, और जब आप ये जाके अपने टीचर्स को बताएंगे ना तो दे विल फील प्राउड ऑफ यू। तो एंड तक मेरे साथ बने रहना, इस वीडियो में बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं। दोस्तों हमने अलग अलग एज ग्रुप के लोगों से गिनती सुनी, सबने गिनती एक से ही स्टार्ट की कि एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस। आप भी किसी से सुन के देखना, वो भी ऐसे ही सुनाएगा। आपने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी से ऐसे गिनती सुनाते नहीं देखा होगा कि जीरो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, ऐसा क्यों। देखो दोस्तों कुछ चीज़ें ना इंसान के अंदर से प्राकृतिक तौर पर निकलती हैं। अभी मैं आपको स्विच बोल दूँ, आपको कितनी भी अंग्रेजी आती हो, आप व्हाट द हेल या फिर गो टू हेल या कुछ भी ऑस्ट्रिच वगैरह नहीं बोलेंगे, जो आपके अंदर से नेचुरल निकलेगा वो बोलेंगे, आप चीखेंगे या जो भी करेंगे। तो इसी तरह से गिनती जो निकली है ना इंसान के अंदर से, वो एक से निकलना स्टार्ट हुई है। इसीलिए दोस्तों जो नंबर एक से स्टार्ट होते हैं उनको हम प्राकृतिक संख्याएं यानी नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। जी हाँ, इसीलिए बोलते हैं नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्याएं एक से स्टार्ट होती हैं। क्यों होती हैं वो आपको पता चलेगा क्यों होती हैं। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, प्राकृतिक तौर पर एक निकलता है इंसान के अंदर से, तो एक से जो गिनती स्टार्ट होती है उनको हम नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। अब गिनती बनना स्टार्ट हुई, एक में एक जुड़ा दो, दो में एक जुड़ा तीन, तो इस तरीके से गिनती बनते बनते ना नौ तक गिनती बन गई। अब नौ के बाद क्या नंबर आएगा, ये प्रॉब्लम होने लगी लोगों को कि नौ के बाद हम क्या नंबर लाएं। नौ तक गिनती बन के रुक गई, अब नौ के बाद क्या आएगा। तो फिर क्या आया, फिर आया अंडा। अंडा क्या, जीरो आया। फिर जीरो आया और जीरो के आने से गिनती बन गई हमारी ये। अब जीरो के आते ही ना गिनती पूरी हो गई। अब आप बड़े से बड़ा नंबर ले लो कोई भी, मान लीजिए आप ले लेते हैं कि 976562 या कोई छोटे से छोटा नंबर ले लो जैसे कि सपोज या 3। तो ये जो नंबर्स आप मुझे देख के बताइए क्या इनसे बाहर कुछ है इसमें, नहीं। जो भी नंबर आप लिखेंगे बड़े से बड़ा है छोटे से छोटा, वो इन नंबर से मिलके बनेगा। इसका मतलब जीरो के आते ही गिनती पूरी हो गई। तो इसीलिए अगर हम जीरो को ऐड कर दें या जो नंबर जीरो से स्टार्ट होते हैं उनको हम होल नंबर कहते हैं, हिंदी में पूर्ण संख्या, संख्याएं पूर्ण हो गई, पूरी हो गई। इसीलिए होल नंबर जो है हमारे वो जीरो से स्टार्ट होते हैं। तो अगला नंबर फिर जो बना ना वो दस बना। कैसे बना, वो एक और जीरो से मिलके बना, तो इसीलिए होल नंबर कहलाते हैं। आइए तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा हमारा है इंटीजर्स, इसको हिंदी में पूर्णांक कहते हैं। अब देखिए प्रॉब्लम क्या हुई, कोई दुकान वाला है मान लीजिए, उसकी दुकान है, उसने ना किसी से 2 रुपये लिए, अब उसने लिख दिया यहाँ पर 2 लिए, मान लीजिए उसने लिख दिया 2 लिए, और उसने किसी को 2 रुपये दिए, तो उसने लिख दिया भाई 2 दिए, ठीक है, पूरे दिन का काम है उसका लिखने का। अब शाम को जब वो हिसाब करने बैठा, अब वो कंफ्यूज हो गया कि ये जो 2 लिए ये उसने मुझसे लिया या मैंने उससे लिए, या ये जो 2 दिए ये उसने मुझे दिए या मैंने उसे दिए, यहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट होने लगी। तो अब क्या करा, अब हमने गिनती में सिंबल्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब क्या करा लोगों ने ना कि मान लीजिए 2 रुपये आए, 2 रुपये लिए, तो 2 रुपये तो मेरे पास आ गए ना, जुड़ गए, तो मैंने लिख दिया जी +2। मैंने किसी को 2 रुपये दिए तो मेरे पास से गए कम हो गए, तो मैंने लिख दिया -2। अब मैं अगर शाम को भी देखूंगा तो मुझे याद रहेगा भाई +2 2 रुपये आए हैं, -2 2 रुपये चले गए कम हो गए। तो ये हमने अपनी आसानी के लिए क्या करा, जीरो के पीछे भी एक दुनिया बना दी, माइनस की दुनिया, जीरो ये प्लस की दुनिया, माइनस की दुनिया बना दी। तो ये माइनस की दुनिया, ये जीरो और ये प्लस की दुनिया, ये सब मिलके हमारे कहलाए इंटीजर्स। जीरो प्लस की दुनिया तो हमारी पहले ही बन गई थी, फिर उसके पीछे हमने इधर माइनस की भी दुनिया बना ली, एक माइनस की गिनती जहाँ तक जा रही है, जहाँ तक प्लस की जा रही है, बीच में जीरो, ये सब मिलके हमारे बनेंगे इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या होते हैं, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, मतलब माइनस में जहाँ तक गिनती जा सकती है वहाँ से लेकर प्लस में जहाँ तक जाएगी वहाँ तक, ये सब मिलके हमारे कहलाएंगे इंटीजर्स। इंटीजर्स में सारे माइनस के जीरो और सारे प्लस के नंबर्स आएंगे। तो ये है कॉन्सेप्ट कि क्यों है ये रीज़न आज आपको पता चल रहा है, शायद ही किसी ने बताए हों। आइए आगे बढ़ते हैं और कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। आइए कुछ और क्यों का पता लगाते हैं। प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या,
क्या होती है, पहली कौन सी होती है, क्यों होती है, सब पता करेंगे। सबसे पहले सीखे प्राइम नंबर होता क्या है, दो डेफिनेशन बता रहा हूं जो आपको इजी लगे याद रखना। पहली ये है कि वो नंबर जिनके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं वो प्राइम नंबर होते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं नंबर 5। ये 5 जो है ये एक तो एक से कटेगा, 1 5 5, और ये 5 जो है 5 5 से कटेगा, 5 1 5, क्या इसके सिवा किसी और से कटेगा, नहीं कटेगा। तो इसका मतलब ये है कि 5 जो है वो एक प्राइम नंबर है। अगर ऐसे याद रखने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, दूसरा तरीका सुनिए, वो नंबर जो खुद से और एक से कटे वो प्राइम नंबर है, वो नंबर जो सिर्फ खुद से और एक से कटे वो प्राइम नंबर है। जैसे कि हम ले सकते हैं 23। अब ये 23 जो है ये एक तो खुद से कटेगा, मतलब 23 खुद 23 से कटेगा, और 23 जो है ये एक से कटेगा, क्या किसी और से कटेगा, नहीं कटेगा। तो 23 जो है ना ये भी एक प्राइम नंबर है। अब सवाल ये उठता है कि पहला प्राइम नंबर कौन सा है, तो मेरे दोस्तों पहला प्राइम नंबर जो होता है ना वो 2 होता है। 2 0 नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा। 2 के बाद आएगा आपका 3, फिर आएगा आपका 5, फिर आएगा 7, क्या 9 प्राइम नंबर होगा, 9 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 9 3 से कट जाता है। तो 9 के बाद आपका 7 के बाद आपका आएगा 11, और फिर आएगा आपका 13। ये चलेगी आपकी प्राइम नंबर की सीरीज। अब आते हैं कि प्राइम नंबर जो पहला है वो 2 क्यों होता है। अच्छा एक फैक्ट और सुनिए इसके बारे में कि 2 जो है ना ये एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है। सिर्फ 2 ही एक इवन प्राइम नंबर है, पूरी प्राइम नंबर की सीरीज में 2 के सिवा कोई भी इवन नंबर नहीं आएगा। अब क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अगर आगे नंबर इवन आ गया तो वो तो और नंबर से भी कट जाएगा, और से कट जाएगा तो उसके फैक्टर 2 से ज़्यादा हो जाएंगे, 2 से ज़्यादा फैक्टर हो जाएंगे, फिर वो प्राइम नंबर नहीं रहेगा। क्योंकि प्राइम नंबर की शर्त है कि भाई 2 फैक्टर हों। तो इसीलिए सिर्फ 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है। सवाल आए तो बता देना आंसर। अगला है कॉम्पोजिट नंबर। इसको देखिए ये ना प्राइम से थोड़ा सा उल्टा है। प्राइम में हमने सीखा कि जिसके 2 फैक्टर हो वो प्राइम है, कंपोजिट इसका उल्टा है कि जिसके 2 फैक्टर ना हो, मतलब जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो वो हमारा कंपोजिट नंबर होगा। जैसे कि हम ले सकते हैं एग्जांपल के लिए 10। 10 जो है एक से कटेगा, 1 2 10। 10 जो है खुद 10 से कटेगा, 10 1 10। इसके सिवा 10 2 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा। देखिए यहाँ पे कितने फैक्टर आ गए, 1 2 3 4, 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए, तो जी ये एक कंपोजिट नंबर है। सवाल ये उठता है कि पहला कंपोजिट नंबर कौन सा है। देखिए ध्यान से देखिए, पहला कंपोजिट नंबर जो है ना वो 4 है, 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 भी नहीं है। पहला कंपोजिट नंबर पहला जो है वो 4 है। 4 के बाद आपका 6 आएगा, फिर आपका 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा, 11 आएगा, नहीं आएगा, 11 के बाद आपका 12 आएगा। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि कंपोजिट नंबर पहला 4 क्यों है, 3 2 या 1 क्यों नहीं है। देखिए एक अपने आप में एक स्पेशल नंबर है, क्योंकि एक जो है वो अलग ही है। अब 2 की बात करें, 2 के 2 फैक्टर होते हैं, 1 और 2 खुद, तो 2 जो है हमारा प्राइम नंबर हो गया। 3 के भी 2 फैक्टर होते हैं, 1 3 और 1 1, तो 3 भी हमारा प्राइम हो गया। इसीलिए पहला कंपोजिट नंबर जो है ना वो 4 है। 4 के 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। देखिए 4 के ना फैक्टर होंगे, 1 होगा 2 होगा और 4 खुद होगा, तो 3 फैक्टर होगा 4 के, तो इसलिए पहला कंपोजिट नंबर ना मेरे दोस्तों 4 होगा। आगे बढ़ते हैं, इवन और ओड, ये आपको पता है, इसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा कि भाई जो नंबर 2 से पूरे पूरे डिवाइड हो जाए वो आपके इवन नंबर होते हैं। 2 की टेबल, 2 का पहाड़ा पूरा इवन नंबर है हमारा। तो 2 4 6 8 10, ये हमारा पूरा जो है वो इवन नंबर है। ओड नंबर की बात कर लेते हैं कि जो 2 से पूरे पूरे डिवाइड ना हो वो ओड नंबर है, या जो 2 का पहाड़ा नहीं है वो ओड नंबर है। कौन कौन से, 1 3 5 7 9, तो ये हमारी सीरीज चलेगी ओड नंबर्स की। आइए ये आपने सीख लिया ना, अब इससे भी इंपॉर्टेंट नंबर आ रहे हैं। अब आएंगे आपके रैशनल, इरेशनल और रियल नंबर, फिर अपनी कहानी खत्म करेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको और देख लेना, क्योंकि इनके ऊपर ना पूरे पूरे चैप्टर हैं स्कूल। आइए दोस्तों अब बात करते हैं रैशनल और इरेशनल नंबर्स की, फिर आएगा उस क्यों का जवाब जो वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे पूछा था। रैशनल नंबर को बहुत ही आसान शब्दों में आपको बताने जा रहा हूं कि वो नंबर जिनको हम बटे की शक्ल में लिख सकें वो रैशनल नंबर्स होते हैं। वो नंबर जिनको हम बटे की शक्ल में, मतलब जिनको हम पी अपॉन क्यू फ्रैक्शन में लिख सकें, वो रैशनल नंबर होंगे। लेकिन एक साथ में शर्त भी है, शर्त ये है कि क्यू जो हो वो जीरो ना हो, मतलब नीचे डिनोमिनेटर में जीरो ना हो, ऊपर जीरो हो चलेगा, नीचे नहीं होना चाहिए। मतलब हाँ अगर हम कहें कि 1/3 रैशनल नंबर है, जी बिल्कुल है, 5/4 रैशनल नंबर है, जी बिल्कुल है, 0/2 रैशनल नंबर है, बिल्कुल है, लेकिन 3/0 रैशनल नंबर है,
नहीं है, जीरो नीचे नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर रैशनल नंबर की एक कंडीशन ये है कि हम बटे में लिख सकें नीचे जीरो ना हो। एक पहचान और है, रैशनल नंबर जो होते हैं ना वो कट जाते हैं, मतलब वो टर्मिनेटिंग होते हैं जो कट सकें, लेकिन अगर जो नंबर नहीं कटेगा तो क्या वो रैशनल नहीं होगा? जी हाँ, वो भी रैशनल होगा। अगर जो नंबर नहीं कटेगा ना तो वो रिपीट होगा। कैसे? देखिए यहाँ समझिए, मैं एग्जांपल के लिए ले लेता हूँ 1/3, ये एक रैशनल नंबर है। जी हाँ है, क्यों? नीचे जीरो नहीं है और ये फ्रैक्शन की बटे की शक्ल में है, तो ये एक रैशनल नंबर है। लेकिन जब मैं इसको काटने चलूंगा, जब मैं यहाँ पर देखिए एक तो कटेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लगा के जीरो उतारेंगे, 10 बन जाएगा, फिर 3 3 9, फिर एक बचेगा, 3 3 9 3 3 9 3 3 9, तो ये ना ये सीरीज चलती रहेगी पॉइंट के बाद 3 3 3 3 3 3 3, मतलब ये क्या होते हैं, ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ये भी एक रेशनल नंबर की पहचान है कि अगर वो नहीं कटेगा ना तो वो रिपीट होगा, तो ये भी रेशनल नंबर होगा। रेशनल नंबर की पहचान है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, मतलब कट नहीं रहा लेकिन रिपीट हो रहा है, तो ये भी रेशनल नंबर होंगे। अच्छा, और कुछ रह गया इसमें? हाँ, जैसे कि हम एग्जाम्पल और ले सकते हैं कि 2/9 रैशनल नंबर है, इसको काटेंगे तो यहाँ पर आएगा आपका 0.22222 ही चलता रहेगा, तो ये भी एक रैशनल नंबर है, ये रिपीट हो रहा है और ये कट नहीं रहा। तो अगर जो ना कटे और जो रिपीट हो वो भी रैशनल नंबर होता है, ये भी ध्यान रखना। आइए दोस्तों, अब जानते हैं इरेशनल नंबर ये क्या होते हैं। बहुत आसान है, जो रैशनल ना हो वो इरेशनल है। हाँ जी, जो रैशनल नहीं है वो इरेशनल है। रैशनल में सारे ही बटे वाले फ्रैक्शन वाले आते हैं, उनको हटा दोगे आप तो जो बचेंगे वो इरेशनल होंगे। इरेशनल को याद रखने का एक और तरीका बता रहा हूँ ना मैं आपको, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जो ना ही पूरे पूरे कटे और ना ही रिपीट हो, मतलब उनको काटने के बाद ना कुछ कुछ का कुछ कुछ का कुछ आए और वो पूरे डिवाइड भी ना हो। तो पाई जो होगा ना, पाई, पाई इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। आप सुनो एक बात, एक फैक्ट और, पाई की जो एक्यूरेट वैल्यू है ना वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, मतलब पाई एक इरेशनल नंबर है। हम जो वैल्यू पाई की मान के करते हैं ना सवाल 22/7 22/7, वो पाई की एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, वो पाई की वैल्यू हमने मानी है उसके अप्रोक्स में मानी है हमने, ये समझिए आप। तो पाई की जो एक्यूरेट वैल्यू है वो एक इरेशनल नंबर है, वो ना ही डिवाइड होता पूरी तरीके से और ना ही वो रिपीट होता। तो और जितने भी रूट वाले नंबर्स होंगे ना वो इसमें आएंगे इरेशनल में, जैसे कि हमारा आ जाएगा 3 √5, रूट हमारा 6, रूट 7, रूट 10, क्योंकि रूट वाले नंबर और ये पाई यही तो बचे ना रैशनल के अलावा, तो ये सारे इरेशनल नंबर हैं। इसको आप बटे की शक्ल में भी एक तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, मुश्किल होता है। क्यों? मान लीजिए हमने 2/3 ले लिया, अब ये जो कटेगा ये कटेगा कितना आपका 0.666, तो ये 6 में सीरीज में रिपीट हो रहा है और जो रिपीट हो वो रेशनल, जो रिपीट ना हो वो आपका इरेशनल, ये आप ध्यान रखना। अच्छा, मैं सोच रहा हूँ कि आपको पाई के ऊपर ना पूरी एक फुल फ्लेज वीडियो दूँ कि पाई क्या है, क्यों है, कहाँ से आया, कब से यूज़ होता है और क्यों यूज़ होता है, कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो मैं आपको दे दूंगा बनाकर। अब बात करते हैं रियल नंबर की, आखिरी नंबर है वीडियो का, बहुत ध्यान से समझना, बहुत आसान भी है। देखिए, सारे रेशनल नंबर्स और सारे इरेशनल नंबर्स, क्या बोला मैंने, सारे रेशनल नंबर सारे इरेशनल नंबर मिलकर रियल नंबर बनाते हैं। हाँ जी, सारे रेशनल नंबर जो है ना वो सब रियल नंबर हैं और सारे इरेशनल, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो ये हुआ कि सारे ही नंबर्स रियल नंबर हो जाएंगे, सारे ही नंबर रियल में आएंगे। क्यों? देखिए, रेशनल नंबर जो हैं वो अपॉन की शक्ल में लिखे जा सकते हैं और हमने इससे पहले जितने भी नंबर्स पढ़े उनको भी तो अपॉन में लिख सकते हैं ना भाई, खाली 2 है, अगर नीचे कुछ ना हो तो हम क्या मानते हैं, 1 मानते हैं, है ना। तो इसका मतलब नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इवन नंबर्स, ओड नंबर्स, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, सारे ही नंबर रैशनल नंबर्स हो गए और रैशनल नंबर रियल नंबर हो गए, तो इसका मतलब सारे ही नंबर रियल नंबर है। अब एक बात को ध्यान रखना कि सारे ही रैशनल रियल नंबर हैं लेकिन सारे रियल नंबर रैशनल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि रियल में इरेशनल भी तो शामिल हैं, तो ये बात भी ध्यान रखना, ये छोटे छोटे पॉइंट है। ऐसे ही सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर होते हैं लेकिन सारे होल नंबर नेचुरल नंबर्स नहीं होते। क्यों? देखिए,
ये हमारा होल नंबर का सेट है, 0, 1, 2, 3 और आगे चलता रहेगा, ठीक है। ये हमारा नेचुरल नंबर का सेट है, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो नेचुरल नंबर जो सारे वो होल में आ रहे हैं, इसका मतलब सारे नेचुरल नंबर होल होते हैं, लेकिन सारे होल नेचुरल नहीं होते। क्यों? क्योंकि जीरो जो होल है वो नेचुरल में नहीं आ रहा। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको एग्जाम में काम आएंगे, आप ध्यान रखेंगे। इस वीडियो को लाइक करके बताइए कि अगर आपको ये सब कुछ डिटेल में समझ आ गया है कि क्या है, क्यों है, कैसे है, और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मैं और वीडियो लेकर आऊँगा आपके लिए ऐसे ही कॉन्सेप्ट क्लियरिंग वीडियोज। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, सब्सक्राइब कर दो अभी, और बेल आइकन भी प्रेस करो, जब भी आपको वीडियो मिलेंगी। हमने एक एक टॉपिक के ऊपर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रखा है, और अब तो रीजनिंग की भी सीरीज स्टार्ट कर दिया आपके लिए। तो रीजनिंग की सीरीज है, मैथ की वीडियोज है, इंग्लिश है, मोटिवेशनल है, बहुत कुछ आपके लिए यहाँ पर है। तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं बहुत जल्द लौटूंगा एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ।